दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, तो वहीं जयपुर कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। यहां सिर्फ पीसीसी के पदाधिकारी ही देखे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और राकेश कटारा से बातचीत की हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां हो रही हैं और ऐसे में कांग्रेस में आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रारंभ है और इस वक्त हम जयपुर कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है, किसी भी तरह की कोई चहल पहल नहीं है। इंतजार कर रहे हैं कि कब पहली लिस्ट कांग्रेस की आएगी और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से जो तस्वीरें हैं यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रहा है। कांग्रेस कार्यालय एक तरफ तो पूरी तरह से भरा हुआ नज़र आता था, लेकिन आज पूरी तरह से कांग्रेस कार्यालय सुनसान है, क्योंकि इंतजार है कांग्रेस की पहली लिस्ट का और इंतजार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस की लिस्ट आएगी। हालांकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है दिल्ली में, तो ऐसे में लगातार जिस तरह की बैठक चल रही है उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब लिस्ट निकलेगी। हालांकि हमारे साथ में यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश कटारा जी, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है कार्यालय में, क्या है, कब तक लिस्ट आने का है? देखो, हिंदुओं का पावर पर्व त्यौहार जो है, अभी नवरात्रा चल रहे हैं और हम भारत देश के निवासी हैं, इसलिए नवरात्रा में ही पहली लिस्ट आ जाएगी और बहुत जल्दी आपको देखने की मिलेगी हमारी पहली लिस्ट। जिस तरह से सन्नाटा है, क्या कहेंगे, आज लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं सब लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे नेता हैं वो दिल्ली जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में भी गए हुए हैं। इस तरह से सन्नाटा है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। कितने नामों की लिस्ट आने की संभावना है लगभग? लिस्ट 100 नाम तो कम से कम मान के चले। ये राजेश कटारा जी ने कहा कि लगभग 100 नामों की लिस्ट आने की संभावना है और लिस्ट का इंतजार भी है पूरी तरह से, जिस तरह से तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो पीसीसी के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, पंकज आलोक जी से बातचीत करते हैं। आलोक साहब, लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेसी और आज सन्नाटा एक तरफ तो भरा हुआ नजर आता था पीसीसी कार्यालय, आज ऐसा क्यों? अभी सब लोग दिल्ली गए हुए हैं और कुछ लोग वार रूम में चल रही मीटिंगें, कुछ दिल्ली में चल रही मीटिंगें, 2-3 दिन में आ जाएगी लिस्टें। 18 तारीख को और आज और 18 तारीख को 2 दिन हमारी मीटिंग है CWC की, वहाँ टिकटों का वितरण की चल रही है कार्रवाई और हो जाएगी। क्या माना जा रहा है, कितने कुछ युवाओं को भी शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, युवाओं को भी मिलेगी टिकट, महिलाओं को मिलेगी और जो योग्य है उनको मिलेगी। ये आलोक जी थे जिन्होंने कहा कि अभी पूरी तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और जैसे ही लिस्ट आएगी उसके बाद, हालांकि कह रहे हैं कि नवरात्रा का पर्व है, इस वजह से इस कार्यालय में भीड़ नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन रामनिवास।